गीत ऊत नहीं बिछने सो संगी गनिये निरपो संग तुम्हारे बसते निरपो संग तुम्हारे बसते जो शरीर करके जिस
शरीर विच ये बाणी आ रही है वो मैल पहले वो पहला शरीर आशा महला तीजा वो तीजा महल है वो तीजा शरीर है वो गुरु नानक का चौथा शरीर है वो गुरु नानक का पंजवा शरीर है वो गुरु नानक का नौवा शरीर है तकरीबन बाद पातशाह जी आख्या कह एक महल तू होए अफारो एक महल नहीं मानो एक थां उत्ते बड़ा भारी हंकारी बन के बैठा है एक थां उत्ते बड़ा भारी निमाना बनिया हो एक महल तू कछू रह लेता एक महल तू सब कुछ गाह जे एक शरीर अंदर तू जो कुछ तेन मिले तू सब कुछ परिवार कर लै सब कुछ ले रहे हैं सब चीजा पुंज रहे हैं सब चीजा मान रहे हैं सब रस मान रहे हैं पर एक शरीर अंदर तू सारिया चीजा पुंदर ले पे उसे चीज का कोई रस नहीं मान रहे सब चीजा तो ऊपर है एक महल तू पंडित बकता एक महल खल होता किसी शरीर अंदर तू बड़ा ज्ञानवान है बड़ी तेरे को तीखण बुद्धि है एक शरीर अंदर बिल्कुल तू किसी प्रकार की बुद्धि का बालक ही नहीं कुछ भी नहीं जानता एक महल खल होता खल का तेरे बिल्कुल कोई बुद्धि कम ना करे पर नाली अगलिया पंक्तियां कह दियां कहते काठ की पुत्री कहां करे बबरू खलावन हारो जाने कहते ये तो उसी तरह के नाल है जिम्मे पुतलियां का खेल होंगे ना वो जिस तरह के नाल उन्होंने वर्दी पवा देंगे ने जिस तरह की उन्होंने उत्ते ड्यूटी ला देंगे उस तरह वो पुतलियां कर दया पर पिछे रस्सी पकड़न वाला तो कोई होर है जरा पुतलियां का खेल खिलाने वाला इस करके करीबन बाद पातशाह महाराज जी ने आख्या एक पासे वो परमेश्वर अकालपुरख वाहेगुरु सर्व व्यापक सब सांभ ते वसिया हो जाए जे इस गल का मनुख के मन के अंदर एक बार एहसास हो जाए कि वह अकालपुरख वाहेगुरु निर्भ हो भी है संघ भी बसता है ते निर्भ हो भी है और दूजा सवाल नाल ये आ गया जे निर्भ दे नाल मन लग्या होया सतगुरु करीबन वाज पातशाह जी आते ने कहते हैं यह मतलब है फिर निर्भ दे नाल संग ना होया उसका ऐसे करके आ रहे क्योंकि संघ नहीं हो रहा जे संघ उसके नाल हो मन उसके नाल हो फिर भय भी नहीं हो ऐ उतनी देर तक ही कायम अपने आप में जितनी देर तक निर्भ नाल संग नहीं संघ किस है मनुख का संघ है बारलिया वस्तुआ नाल जड़िया बारलिया वस्तुआ नाल संघ है वह आदियां भी ने चलिया भी जाती ने आने लगिया खुशी देंदिया ने जान लगिया दुख देंदिया ने वह जमदिया भी नहीं वे मरदिया भी ने वह बढ़दिया भी ने बिरसदिया भी ने वह प्राप्त भी होंदिया ने मनुख चलिया भी जाती है इस करके बाहर दिया वस्तुआ जिस वक्त मनुख के कोल ये सारिया उन्होंने नाल ज्यों ज्यों इसका नहीं होगा उन्होंने प्राप्त करने वास्ते ये भला काम भी करेगा माड़ा भी करेगा लालच बस होकर के फिर किसी प्रकार का भी कोई पाप कर्म भी कर सकता है सतगुरु पातशाह महाराज जी ने आख्या कह लगे जो मनुख पाप करता है तो पाप मनुख के अंदर एक ऐसी छाप पैदा कर देता है जिन्हें कि अंदर पै पैदा करता है इसमें इस गल हमेशा पै दिता है पाप हमेशा मन के मनुख के अंदर एक ऐसी छाप बना देता है इस प्रकार की इसके मन के अंदर एक छाप उकरी जाती है ये मन अंदर एक पै बैठ जाता है कि इस गल का किसी को पता ना चल जाए बड़ी कोशिश करता है लुका के रखा जाए अपने करीबी तो करीबी नजदीकी तो नजदीकी किसी मित्र दोस्त